देखो आज आप लोग मिलो दी से। चेरी कितना खुश हो रही देखकर। ये स्माइली का बेटा पांच का। आज हम इतने सुंदर लग रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी फ्रेंड्स हो रहे हैं और 11 बज चुके हैं और नहा धो के सब लोग फ्री हैं। सबका नाश्ता भी हो गया है। आज हम लोगों का खाना थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि आज है दिन संडे और संडे को जो है कुछ स्पेशल बनता है, तो इसलिए थोड़ा लेट खाना मतलब खाएंगे। सुबह सबके लिए पोहा बनाया था तो वही सब लोगों ने खाया है। बच्चे अभी बाहर चले गए खेलने के लिए, चेरी भी निकल गई है खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट करूँ क्योंकि कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। परसों का ही था जो भी मैंने शेयर किया था और आज मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और ये देखो स्माइली भी बाहर खेलने में मस्त है। यहाँ पे ये रही स्माइली, बोलो कुछ हाय करो। हाय 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 करती इधर स्माइली। बस चेरी में ज्यादा बिजी है, बस गोद में टांग टांग के उसको ले जा रही। कहाँ गई चेरी अभी? चेरी दादी के पास गई। दादी के पास गई? हाँ। अच्छा तुम दिखाओ अपने आप को। देखो ये स्माइली का बेटा पांच का। आज हम इतनी सुंदर लग रही हूँ। अपने आप ही अपनी तारीफ हो जाती है इसकी, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए सब लोगों का ना खाना पीना हो गया है और ये बेडशीट वगैरह सब कुछ सही करना है क्योंकि ना बच्चों ने इतना ज़्यादा फैला के रख दिया है। ये समझ लो पूरा दिन हम लोगों का चलता रहता है। दिन भर में 3-4-5 बार 6 बार कभी कभी झाड़ू लग जाती है, लेकिन ये बच्चे कभी तकिया से खेलेंगे कभी कम्बल से। तो ये क्या है ना, ब्लैंकेट हमारे सारे यहाँ पर रख देते क्योंकि रात को ना एसी चलता है तो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से सारे यहाँ पे रख देते हैं। और ये बच्चे ना बहुत मतलब एक इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो बस सारा फैलाते रहते हैं दिन भर। वही अभी मैं रख रही हूँ, सुबह भी रखा था लेकिन देखो लग ही नहीं रहा है कहीं से भी कि सुबह अच्छे से रखा होगा। बैठेंगे तो चद्दर फैला देंगे, तकिया कर देंगे, यही रहता है इधर। और मोस्टली ना सब इसी रूम में रहते हैं, खाना पीना भी यहीं बैठ के सबने नीचे अभी खाया है, तो यही एक रूम ज़्यादा फैलता है। बाकी ऊपर कोई भी नहीं जाता क्योंकि मतलब मौसम गर्मी का है और यहाँ पे क्या है ना इस रूम में एसी चलाते तो सब यहीं बैठ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फैल जाता है। बच्चे तो यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ेंगे, यहीं खेलेंगे, यहीं सब रहते हैं। तो देखो कितना कचरा निकला है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी क्लीनिंग कर दी है। दी जो है अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हैं, तो जब तक मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे दोपहर टाइम पर। तो बस वही चल रहा है घर के काम सारे जो हैं। और चेरी जो है अभी दादी के पास है अपनी, सो गई है फ़िलहाल, वो भी खाना वाना खा लिया है चेरी ने। और सब लोग अभी थोड़ा दोपहर में आराम करेंगे। चुका है, आज संडे था तो आज नॉनवेज बना था घर पे, तो बस सब लोग खा चुके हैं खाना और जो है बच्चे अभी खा पी के टहल रहे हैं बाहर क्योंकि या तो बच्चे स्माइली आदि दोनों इतना खेलते पूरा दिन लड़ाई भी होती रहती है, मस्ती भी होती रहती है और खेल कूद भी, तो दोनों अभी बाहर खेल रहे हैं। बस उनको बुला रहे हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे दोपहर टाइम पे और 1 घंटे अपनी नींद पूरी करेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह जो है ना जल्दी उठते हैं गांव में, रात को जल्दी सोना होता है, मतलब अलग टाइम टेबल रहता है यहाँ का, वहाँ के अकॉर्डिंग खाना भी रोज जल्दी ही खाते हैं। बट आज क्या था, संडे था तो बस इसीलिए थोड़ा नॉनवेज वगैरह आता, थोड़ा टाइम भी लगता बनाने में, तो इसीलिए थोड़ा लेट आज खाना हुआ है सबका। तो अभी 2 बज चुके हैं, खा पी के फ्री हैं, दी बर्तन साफ़ कर रही हैं और मैंने यहाँ पर जब तक क्लीनिंग करी है, तो बस ऐसे मिल बांट के हम लोग भी काम हो जाते हैं जल्दी। और अब थोड़ा सा हम लोग आराम करेंगे, सोएंगे और आप लोगों से मिलूंगी मैं शाम को। आ जाओ अंदर, कच्चे आम खा रही हो हैं? इधर नहीं है, दूसरा इधर।
थोड़ा आराम कर लो। बुलाओ आदि को। आदि क्या कर रहा है? कहाँ खेल रहा है? हेलो, गुड इवनिंग। बज चुके हैं शाम के 5 और मैं आई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ पे निकाली है, ये देखिए गुजिया, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मिलती है, इधर ही मिलती है ये रस वाली गुजिया। और चाय बनाऊँगी, शाम का टाइम हो रहा है तो वही चाय वाय चढ़ा देते हैं अब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और शाम का टाइम हो गया और मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, बाहर बिल्कुल बारिश जैसा हो गया है। बस बारिश ऐसा लग रहा है कभी भी आती ही होगी। और यहाँ पे ना अभी कुछ सामान वगैरह लिया है मम्मी ने, तो ये इंडक्शन के ऊपर रख दिया है, पन्नी में दिख रहा होगा सामने, तो वो भी अभी लगाना है। सामान कुछ है, पैकेट वगैरह हैं, बच्चों के खाने पीने वाला आइटम है, तो बस वही है। यहाँ पे चाय भी बन गई है तो मैं दे के आ जाती हूँ पापा जी को, और उसके बाद बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। दी देखो चेरी को बाहर घुमा रही हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं बाहर। चेरी कितना खुश हो रही देख कर के ये। हेलो, तो देखो आज आप लोग मिल लो दी से। हेलो, हाय। तो अभी हमारा बन रहा है शाम का खाना। खाना क्या, नाश्ता खाना दोनों बन रहा है। मैं जा रही थी तुरई की सब्जी, तुरई यहाँ पे छीलने और काटने के लिए, और दी यहाँ पे बनाने जा रही है नूडल्स। और चूड़ी देखो, तिरंगा चूड़ी पहन ली है, रखी हुई थी। ऑरेंज कलर तो हमने कल परसों लिया था ना, ये हाँ, तो मैंने ये इसके संग में ये व्हाइट और ग्रीन पहन लिया है, तिरंगा वाली चूड़ी। इसको आज बिन मतलब बिन सीजन के इंडिपेंडेंस डे बनाना था, तो इसलिए इसने कोई बात नहीं। हम इसे कभी भी पहन लो, ऐसी मन मैंने देखा, मैंने कहा व्हाइट भी है तो मैंने तिरंगा ही फिर पहन ली, अच्छी लगी। हाँ, और बच्चे चले गए हैं अभी बाहर, चेरी भी चली गई है, उसको पापा जी लेके निकल गए हैं अभी घूमने के घुमाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है और आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, ऐसा लग रहा है हम लोग भी घूमे। लेकिन खाना वाना बनाना है तो फिर नहीं जा रहे छत पे, कौन चढ़ के जाए। फिर नीचे चले जाएंगे ना, फिर नीचे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, कोई आएगा घर में तो खटखट खटखट करते ही रहेंगे। हाँ, तो इसलिए हम लोग जा नहीं रहे बाहर। मौसम लेकिन बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, अच्छा नहीं वेदर, अच्छा। हाँ, तो अभी तो दी जब तक नूडल्स यहाँ पे बना रही है तो मैं इस रूम की जो है ना क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे थे और कुछ भी मतलब ठीक से रह नहीं पाता, पूरा फैला देते हैं, तो बस ये सब मैं साफ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है सब्जी बनाऊंगी तुरई की, जब तक दी जो है नूडल्स बना रही है, तो कर लेते हैं यहाँ की क्लीनिंग। लाइट भी नहीं आ रही है, कपड़े उठाने हैं तो बस बाहर से कपड़े भी उठा लेती हूँ मैं, उसके बाद जो है ये वाला कमरा साफ करती हूँ। कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अंधेरा होने वाला है, बट अभी अंधेरा होगा नहीं, मौसम की वजह से लग रहा है ऐसा, क्योंकि बारिश हो रही है जबरदस्त यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े उठाने के लिए, और बाहर हो रही है जबरदस्त बारिश, इसलिए देखिए अंधेरा सा हो रहा है, फ़ोन में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने फ़ोन रखा है एक्चुअली, और उससे मैंने बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो सारे कपड़े डले थे, मैंने कहा चलो सब कपड़े उठा लेते, वैसे ये भीग तो नहीं रहे हैं क्योंकि अंदर ही डले, लेकिन फिर भी मैंने कहा शाम का टाइम है तो कपड़े उठा के अंदर रख लेती हूँ, सूख भी गए क्योंकि दोपहर में तो धूप थी काफ़ी, तो बस सब ले लिए हैं और चलते हैं अंदर। बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो बस मैं कपड़े लेके अंदर ही जा रही हूँ। और अभी जो है ना बच्चे, मम्मी, पापा सब लोग जो है ना दूसरे वाले घर में हैं जहाँ पे घर बन रहा है, और यहाँ पर ये देखिए रात के टाइम का है, मैं फिर व्लॉग में कुछ शेयर कर नहीं पाई आप लोगों के साथ, ये नाइट का है। यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ बालों में तेल और किचन में आके बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि सब लोग सो गए हैं ऑलमोस्ट, और आदि को सुबह स्कूल भी जाना है, तो सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है किचन की। तो गाइज़, मैं अभी लगा रही थी अपने बालों में ऑयल, और किचन के देखिए सारे काम जो है हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं अपने बालों की चंपी कर रही थी क्योंकि कल है मंडे, तो कल हेयर वॉश करूँगी, इसलिए मैंने सोचा साफ करूँ। और रूम में इसलिए नहीं लगा रही तेल वगैरह क्योंकि घर में सब लोग सो चुके हैं, बच्चों को आदि को स्कूल जाना है सुबह,
तो इसीलिए मैं किचन में आ गई। मैंने कहा यहीं लगा के और फिर हाथ मुंह धो के फिर सीधा जाके सोऊंगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।